गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। दिस इज मनोज शर्मा, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गार्डन। क्लास में मैथमेटिक्स का रिवीजन हम कर रहे हैं और आज का जो हमारा एक्सरसाइज है वो है 3.3 चैप्टर 3 का। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखेंगे और वो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1। आप अपनी एनसीईआरटी देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा और आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन The two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Find them. इन दो नंबर का जो डिफरेंस दिया गया है वो कितना दिया गया है, 26. 26 है यहाँ पर दो नंबर का डिफरेंस और कह रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब उनमें से एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। Find them. उन दोनों नंबर को आपको फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, दो नंबर, तो दो नंबर पहले हम एंटर करते हैं। So, solution किस तरह से होगा, लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। दो नंबर हमने ले लिया। पहली कंडीशन क्या कह रही है कि डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26, तो दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस क्या है। सो अकॉर्डिंग टू पहला स्टेटमेंट यानी कि पहला हमारा इक्वेशन यहां पर क्रिएट हो गया। सेकंड कंडीशन क्या ले रही है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन फर्स्ट नंबर equal to 3 times second number। ये कहा गया तो ठीक है, फर्स्ट नंबर हमारा कौन सा था, 10, सेकंड नंबर 3.5। ये देखो 3 times द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 3 times सेकंड, ये हो गया सेकंड। सेकंड से वैल्यू आप क्या करें, फर्स्ट में पुट कर दीजिए। क्या करें, सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में पुट करिए, क्या मिलने वाला है यहां पर देखिए, लिखेंगे पुटिंग एक्स इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अगर आप फर्स्ट में पुट करते हैं क्या मिलेगा, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 26 था हमारे पास। किसकी वैल्यू पुट कर दी है, एक्स की पुट कर दी है। एक्स के प्लेस में हमें क्या करना है, 3y लिख देना है। 3y माइनस y इज इक्वल टू 26 ये मिलने वाला है। 2y इज इक्वल टू 26 एंड y इज इक्वल टू 13 डिवाइड करेंगे तो 13 आ गया, एक नंबर हमारा आ गया। अब दूसरा नंबर कैसे मिलेगा, तो सेकंड इक्वेशन आप देख रहे हैं x इक्वल टू 3y, ये y की वैल्यू आप कर दीजिए, करेक्ट। सो नाउ पुटिंग y is equal to 13 in equation second we get, अगर हम सेकंड इक्वेशन में इस y के वैल्यू को पुट करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, x मिलने वाला है। क्या होगा, x equal to 3y है, करेक्ट। पर y की वैल्यू हमें पुट करनी है तो y की वैल्यू यहां से रिप्लेस कर दीजिए, क्या पुट करेंगे, 13। सॉल्व करिए, 33 39, ये हमारा दूसरा नंबर, तो हमारे दोनों नंबर मिल गए। एट लास्ट हम लिख देंगे स्टेटमेंट, देयरफॉर द टू नंबर्स ए आर 39 एंड
ये वन हो गया रिक्वायर्ड आंसर, करेक्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री का फिफ्थ पार्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थ्री का फिफ्थ पार्ट है हमारा, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन अगर उसमें हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर देते हैं तो वो कितना हो जाएगा 9/11। दूसरी कंडीशन क्या दे रही है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर दोनों में यानी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मैं 3 ऐड कर देता हूं तो वो क्या हो जाएगा 5/6। और क्वेश्चन कह रहा है कि वो दोनों यानी वो फ्रैक्शन आप फाइंड करिए। क्वेश्चन समझ आया तो ठीक है, हम यहां पर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है, फ्रैक्शन ही फाइंड करना है तो फ्रैक्शन को लेट करना पड़ेगा, ठीक है। लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई, मतलब हम यहां पर न्यूमरेटर अलग से एक्स नहीं लिखना है, वाई डिनोमिनेटर है ऐसा नहीं लिखना, सीधे फ्रैक्शन को ही लेट कर लेना है एक्स वाई वाई, करेक्ट। तो पहली कंडीशन क्या कह रही है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कि हम दोनों में क्या करें 2 को ऐड करें, एक्स में भी 2 ऐड करें और वाई में भी 2 ऐड करें, क्या हो जाएगा, कहा गया ये 9/11 हो जाएगा। तो यहां पर लिखते हैं 9/11। अब इससे हमारी एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी 2 वेरिएबल्स की, तो उसको हम बना लेते हैं। थोड़ा यहां से हम करते हैं या एक काम करते हैं थोड़ा पीछे कर देते हैं, क्या मिलेगा x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 इज इक्वल टू 9/11। थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करते हैं, 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18, करेक्ट। ये हो गया 11x माइनस 9y, ये माइनस हो गया इधर आगे तो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या आप चाहते हैं तो उसको तरीका दीजिए इजी इज इक्वल टू माइनस 4। पहली इक्वेशन, ये हमारी पहली इक्वेशन क्रिएट हो गई। दूसरी कंडीशन कह रहा 3 ऐड करेंगे तो 5/6 हो जाएगा, उसको भी लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 5/6 बनेगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, 6x प्लस 18 5x प्लस 15 यहां हो गया 6x माइनस 5y इज इक्वल टू ये रहेगा माइनस होगा माइनस 3, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट हमारी तैयार, दो इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर रेडी है। अभी नहीं तो हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वो हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा। अगर आप मेथड बोर्ड एग्जाम की बात करें, अगर वो कहता है कि पर्टिकुलर एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो आप करिए, अदरवाइज जो आपको इजी लगता है ठीक है उस मेथड से आप सॉल्व कर दीजिए, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है उससे करिए, अदरवाइज एलिमिनेशन से करना है उससे करिए। तो हम क्या करते हैं यहां पर हम इस बार एलिमिनेशन यूज कर लेते हैं, ठीक है। ऑन सॉल्विंग बोथ द इक्वेशन वी गेट क्या मिलेगा, जरा देखें तो हम इनको क्या करते हैं, x की कोफिशिएंट को हम इक्वल कर लेते हैं, x की कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे तो पहला इक्वेशन 66x माइनस 54y ठीक है 54y इज इक्वल टू माइनस 24। यहां पर इसको मैंने क्या किया 6 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें इसका कोफिशिएंट बराबर करना है x वाले का, तो वहां पर 11 है यहां पर 6 है, इसमें 6 से मल्टीप्लाई इसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से करेंगे 66x माइनस 55y
is equal to 33. सॉल्व करें, माइनस करना है क्योंकि दोनों की सिंपल सेम से है ना, सेम है यहाँ पर, माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पर 55 माइनस 54 ओनली वाई, यहाँ पर 33 माइनस 24, 33 माइनस 24 यानी कि 6 और 9, ठीक है, तो y की वैल्यू जो हमारी आ गई वो क्या आ गई, 9। अब ये y की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में कहीं पुट कर दीजिए, आपका दूसरा आ जाएगा। तो हम सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है, वैसे बेस्ट चाहिए वहां पर डिलीट करना है, अगर आपको चाहिए तो इसको वीडियो को पोस्ट करके इसको आप लिख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।